शहर कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब बेचने के मामले में शिवम नायक पुत्र नरसी नायक निवासी लड्डू खास की बगीची को गिरफ्तार किया है। एएसआई सुनील कुमार ने बताया कि कल मुखबिर जरिए सूचना मिली कि स्कीम 10 पानी की टंकी के पास एक व्यक्ति प्लास्टिक के कट्टे में पौवे रखकर अवैध रूप से शराब बेच रहा है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे व्यक्ति को पकड़ा, जिसके पास से 52 देसी शराब के पौवे बरामद किए। कल शाम को गश्त में थे, उस दौरान जरिए मुख भी सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है एक प्लास्टिक कट्टे में अवैध शराब के देसी पौवे लेकर जा रहा है, जो स्कीम 10 में पानी की टंकी के पास खड़ा हुआ है। उक्त मुखबिर की सूचना पर हम गए तो एक आदमी जो है इस प्रकार का उल्लेख का जो बताया वैसा दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर वहां से चलने की कोशिश करने लगा, जिसको घेरा देखकर पकड़ा। नाम पता पूछा तो शिवम लड्डू खास की बगीचे का होना बताया, जिसको तलाशी ली। तलाशी लेने पर 52 देशी शराब डोला मारू के पास वो मिले, जिसको थाने पर लेकर आए और उसके खिलाफ कार्रवाई की। अपराधी के कोई केस है तो वो अभी उसको देख रहे हैं, पीछे के होंगे तो उससे लगा देंगे।